देशरे आरंभ हो वाइब्रांट विलेज प्रोग्राम आज अनुषित होता केन्द्र कैबिनेट बैठक में यह कार्यक्रम को अनुमोदन मिली। केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम 2022-23 आर्थिक वर्ष 2025-26 आर्थिक वर्ष जाए चलवाक बेले खर्च हो 4800 कोटी। यह प्रोग्राम अधीन देशर उत्तर सीमार अवस्थित 4 राज्य और गोटे केन्द्र शासित अंचल भित्तिभूमि विकास सह जीवन जीविकार अवसर सृष्टि विभिन्न प्रकल्प हाथ को निठारे गांव मान बसवास कर लोक जीवन मानने उन्नति आणवे सहायक होब वाइब्रांट विलेज प्रोग्राम। लगातार गांव के विकास के लिए कोई ना कोई कदम उठाए गए। इस बार की जो आज निर्णय किया गया है वो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 25-26 तक इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें लगभग 2500 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण पर खर्च होगा। देश की उत्तरी सीमा के जो हमारे रणनीतिक महत्व के गांव का समग्र विकास इसमें हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। इन क्षेत्र के लोगों को अश्योर्ड लाइवलीहुड और रोजगार के अवसर मिलें ये प्रावधान किया जाएगा। अपने गांव में रहने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि माइग्रेशन पर चेक लग सके और उनके अपने गांव में रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल सके, पलायन रुक सके। इस प्रकार से ये कार्यक्रम जो है वो देश की सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित गांव को बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से अलग रखा जाएगा ताकि दोनों प्रोग्राम्स का कोई ओवरलैप ना हो। ये कार्यक्रम एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।